कर। राहुल गांधी ने हिंदुओं को टेररिस्ट कहा और अभी आपने कहा मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, भगवान को नहीं ढूंढ रहे, वोट ढूंढ रहे हैं। वो ये है कि सनातन पर, हिंदुत्व पर सवाल उठते हैं। दक्षिण भारतीय जो कुछ पार्टियां हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश के कुछ नेता हैं, बिहार के कुछ नेता हैं, मंत्री हैं, इन सब के बीच में एक ही चीज कॉमन है। मैं उसी पे आता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के सहयोगी दल हैं या एक गठबंधन, कहीं ना कहीं नहीं है, कांग्रेस के ही सहयोगी दल है। अब मेरे इस सवाल को मैं थोड़ा आगे ले जाता हूँ अपनी बात को। कांग्रेस के पास जब ये सवाल लेकर के आप जाते हैं तो कांग्रेस के नेता ये कहते हैं, आप एक ऐसा वाक्या बताइए, एक उदाहरण बताइए जिसमें कांग्रेस के नेता ने हिंदुत्व पर, सनातन, राहुल गांधी ने हिंदुओं को टेररिस्ट कहा। कांग्रेस का कोई नेता इसको नकार नहीं सकता। जब यूपीए की सरकार थी तब राहुल गांधी का बयान था कि मुझे हिंदू टेररिज्म से डर लगता है। अगर आतंक का कोई धर्म नहीं तो उस धर्म को भगवाकरण करने का राहुल गांधी का क्या अधिकार है? और अगर वाकई में कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जो डीएमके बोल रही है उनका सहयोगी है, जो सपा के कोई नेता बोलते हैं उनका सहयोगी, दम है और सनातन में अगर उनका विश्वास है तो आज अपना रिश्ता तोड़ दें उनके साथ। नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें सत्ता प्यारी है, सनातन नहीं। आपको ऐसा लगता है? मुझे लगने की बात, वो प्रमाणित कर चुके हैं। लेकिन मंदिर मंदिर आप मुझे बताइए, जब उनके माता के पास सत्ता थी तब क्यों उनकी माताजी ने लिख कर दिया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं? ये तो गांधी खानदान ने किया ना, ये डीएमके ने नहीं किया। इसका आप ठिकरा सपा पर नहीं फोड़ सकते, करने वाले गांधी खानदान के लोग हैं। यानी आप मंशा पर सवाल कर रही हैं। मैं सवाल नहीं कर रही हूँ, मैं प्रमाण दे रही हूँ। सनातन हिंदुत्व तो जो है वो सवाल तब की जाती है, सवाल तब किया जाता है जब शंका हो। मेरे मन में कोई शंका नहीं है। स्मृति जी, अभी जो चर्चा चल रही है और अभी आपने कहा मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, भगवान को नहीं ढूंढ रहे, वोट ढूंढ रहे हैं। मंदिर